हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम में। मैं राघव आज आपके सामने फिर से स्टैटिक जीके एपिसोड 8 लेके आया हूँ। इससे पहले हमारे पास 7 वीडियो डाली गई हैं, आप उसे प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। और जो दोस्त इस वीडियो पर नए हैं तो मैं उन्हें बता दूँ कि हम इसमें UKSSC और UKPSC से संबंधित जो भी छोटी मोटी जानकारियाँ आती हैं और एग्ज़ाम से रिलेटेड तैयारी कराते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है कि राज्य का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है। तो जो राज्य का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है वो है अभी 307 है। इससे पहले जो था 72A था, ये आपको पता होगा। तो अब इसकी व्याख्या देखते हैं हम। इसकी व्याख्या है कि सबसे छोटा जो NH है वो 307 है, या सब इससे पूर्व NH 72A था, और सबसे बड़ा कौन सा NH 7, जिसे पहले क्या कहा जाता था NH 58। ठीक है, केदारनाथ किस हाईवे पर है, आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब कब पारित किया गया। तो आपको इसकी जो ईयर वो बताना है, तो ये है 2002 में भारतीय संविधान द्वारा क्या किया गया था, जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। आप देख सकते हैं कि यह दिसंबर 2002 में पारित किया गया था। और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता दिवस, कभी कभी दिवस पूछ लिया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि अकबर ने किस प्रथा के आधार पर सैन्य संगठन बनाया था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगता है मुझे ये एग्ज़ाम से रिलेटिव, क्योंकि काफ़ी इसी के आधार पर अकबर ने कई युद्ध जीते थे और उसकी सैन्य प्रणाली काफ़ी अच्छी हुई थी। तो इसको आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो जो अकबर ने 1575 में मनसबदारी प्रथा के आधार पर सैन्य संगठन बनाया। इस व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, दशरमा प्रणाली था। ठीक है, तो ये मनसबदारी प्रथा पूछा जा सकता है किसने लागू की, कब लागू हुई। और दशरमा प्रणाली पूछ सकते किसने लागू की, कब लागू की, तो आपको बताना चाहिए किसने लागू की, अकबर ने लागू की, और कब की थी 1575 में। ठीक है, कब लागू की थी 1575 में। नेक्स्ट है कि लाफिंग कैवलरी नामक विश्व प्रसिद्ध चित्र किसके द्वारा बनाया गया था। अगर आप लोगों को पूछा जाए तो मोनालिसा किसकी थी, तो आप लोग तुरंत बता दोगे किसका था, लियोनार्डो दा विंची का था, है ना। तो इस प्रकार से पूछा जा रहा है कि लाफिंग कैवलरी किसका है, जिसको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और हम आगे बढ़ते इसकी व्याख्या देखते हैं। तो ये है डच चित्रकार फ्रांस होल्स की लाफिंग कैवलरी चित्र विश्व प्रसिद्ध है। और माइकल एंजेलो जो है उसका लास्ट जजमेंट, और ये एग्जाम आया क्वेश्चन है। इससे पहले समीक्षा अधिकारी का जो हाईकोर्ट का हुआ था उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन कि लास्ट जजमेंट है ये किसकी चित्रकारी है, तो ये है माइकल एंजेलो का था। अदर लियोनार्डो दा विंची का क्या क्या है, लास्ट सफर और मोनालिसा, क्या क्या है, लास्ट सफर और मोनालिसा। नेक्स्ट है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कब की गई, है ना, यह किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया, ये कब किस किस डेट किस ईयर में किया गया। तो इसका देखते हैं कि 31वें संविधान संशोधन द्वारा सीटों को 545 किया गया था, परंतु 1987 में गोवा दमन द्वीप जो पुनर्गठन अधिनियम आया था उसमें 552 हो गए थे। जब पूछा जाता है कि कितने सीटें हैं तो 552 बताते हैं ना, तो इसी के तहत हुआ था 1987 पुनर्गठन अधिनियम के तहत। और इसमें आगे अब कुछ और जान लेते हैं कि राज्य से कितनी सीटें हैं, 530 सीटें हैं। केंद्र शासित प्रदेशों से कितनी सीटें हैं, 20 सीटें हैं। और अंग भारतीय सदस्यों से कितनी सीटें, 2 सीटें हैं। और आर्टिकल समझ की लोकसभा जो है किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो ये किसके तहत आता है, 81 के तहत आता है। और जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सरल, ये आपको याद रखेगा कि राज्यसभा लोकसभा संसद किस आर्टिकल के तहत आता है, तो जो 100 से है संसद है, संसद आता है आर्टिकल 79 में। ठीक है, रॉ से आता है क्या, राज्यसभा 80 में है, और लॉ से क्या है, लोकसभा 81 में। तो आप याद रखेंगे सरल, ठीक है ना, ये सरल याद रखोगे तो आपका कोई क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने वाला है। नेक्स्ट है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो ये पारित किया गया था कब, 1955 में। ठीक है, व्याख्या देख इसको देखते हैं कि यह अधिनियम 1955 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो जो राष्ट्रीय महिला दिवस है जो हमारी जो राज्य की पहली हमारी नहीं कि किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल, अब आपको पता चल गया क्या नाम उनका, सरोजिनी नायडू, उनकी जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो अब इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं कि राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है, 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की स्मृति में मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत की किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी, तथा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। 14 फरवरी को कौन सा दिवस आता है, सबको पता है कौन सा डे है 14 फरवरी को, ये आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर का सदर ए आजम पद नाम बदलकर राज्यपाल कब किया गया, राज्यपाल से पहले वहाँ
जो सदर आजम के नाम से जाना जाता था उन्हें, तो ये पूछा जा रहा है कि किस कब ये नाम परिवर्तित किया गया। तो ये क्या गया, 1965 में ये नाम परिवर्तित किया गया। तो ये देखिए इसकी व्याख्या देखिए कि छठे संविधान संशोधन अधिनियम 1965 के द्वारा सदर ये रियासत नाम बदलकर क्या कर दिया गया, राज्यपाल कर दिया गया, और जो वजीर आजम को मुख्यमंत्री कर दिया गया, है ना, क्या किया गया, मुख्यमंत्री कर दिया गया। नेक्स्ट है कि नेत्रा कुमानन का संबंध किससे है, ये अभी हाल ही में काफ़ी फेमस सवाल बनने वाला है आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि ये ओलंपिक में नौका चालक के रूप में पहली महिला है जिन्होंने क्वालिफाई किया है। कि आप देख सकते हैं कि यह पहली भारतीय महिला नौका चालक है जिसने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। तो नेत्रा कुमानन का नाम आप याद रखिए, ऐसी एक भवानी देवी था, अगर आपको पता होगा तो बताइए कि भवानी देवी किससे संबंधित है। नेक्स्ट है कि कॉमन पिकॉक को राज्य तितली कब घोषित किया गया, क्या उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में है कि राज्य तितली कब घोषित किया गया था, तो ये किया गया था कब, 2016 में। इसकी व्याख्या देखते हैं कि 2016 में कॉमन पिकॉक को राज्य तितली घोषित किया गया था, और 2011 में राज्य खेल क्या है आप बताएंगे, राज्य खेल घोषित किया गया। 2015 में राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया था, आप बताइए राज्य वाद्य यंत्र क्या है। और दूसरा है कि 2010 में क्या दूसरी राज्य भाषा घोषित की गई थी, हमारी दूसरी राज्य भाषा क्या है आप इसे बताएंगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इन तीनों का आंसर दीजिए। नेक्स्ट है ये हॉट टॉपिक है कि जो हाल ही में कुछ फेमस जो चीज़ें हुई थी उनसे संबंधित ये एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया मैंने आप लोगों के लिए, जिससे आपको पता चले कि करंट में क्या क्या हॉट टॉपिक चल रहे हैं। तो पोंग बांध काफ़ी फेमस हुआ था अभी हाल ही में, तो अगर किसी को पता है कि पोंग बांध कहाँ है या किस नदी पर है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नहीं तो हम इसकी व्याख्या देखेंगे। आप व्याख्या इसकी कि यह हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर स्थित है तथा इसे महाराणा प्रताप सागर भी कहा जाता है। ठीक है, वर्तमान में बर्ड फ्लू के कारण यहाँ पर हजारों विदेशी पक्षियों खत्म हुई थी। इस बांध का जल इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए प्रयोग किया जाता है। यह जो जो बांध है पोंग बांध या मछलियों हेतु काफ़ी प्रसिद्ध है। बीच में क्या होता है कि विदेशी पक्षियाँ जो आती है प्रवासी पक्षियाँ उनकी काफ़ी उनकी मृत्यु हुई थी इस चक्कर में बर्ड फ्लू के कारण, इसलिए ये फेमस हुआ था, ये हॉट टॉपिक इसलिए बन गया था। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और जो हमारे दोस्त नए हैं चैनल पर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, और बेल आइकन जरूर दबाएं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय उत्तराखंड।